मैं भी यही चाहूँ कि सीबीआई जांच हो अच्छे से और सच सामने आए जी, कोई भी हो इसमें, सच को सामने आए कि एक निर्दोष को सजा मत दे गरीब आदमी को। वो ऐसा ना कर पाएगा, वो फंसाया जा रहा है, उससे परसों से मिल के जाइए। वो हाथ जोड़ जोड़ के बार बार यही कह रहा कि ममता मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया, मेरे बच्चों को सब मैंने ऐसा नहीं किया। वो तो मार मार के इतना पागल बना दिया उसे, नुई न पता के बोल रहा हूँ मैं के ना बोल रहा। जो आदमी हाथ पैर से बिल्कुल शरीर से सही है और वो पैरालाइज बता दिया, कोई बताता तो पैरालाइज को कोई कंडक्टर कैसे रखेगा? पैरालाइज को कंडक्टर से स्कूल वाले कैसे रखेंगे कि वो जब खुद ही पैरालाइज है तो बच्चों को क्या चढ़ाएगा, वो क्या उतारेगा? वो तो मार मार के इंजेक्शन दिए हैं नशे के, तातपानी कर करके डाला गया, उल्टा लटकाया गया, ऐसे तो हर कोई हंगेगा। ये सब स्कूल वालों की साजिश से प्रिंसिपल ही सब दबाव में आके आंगा उन्होंने तो। ये तो कंडक्टर को तो खुद प्रद्युमन की मम्मी माँ बाप भी खुद ही नहीं मंजूर कर रहे कि ये कातिल है। वो तो खुद बोल रहे कि मेरा रिश्ते ही मेरा पति इतने उन 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 मेहरबानों से, इन दो जनों से मेरा पति अभी तक बच रहा है। मैं तो यही चाहूंगा आज जोर से, मेरे पे इतना नहीं बोला जा रहा है कि बस सच सच्चाई सामने आए, जो सच हो वो ही। मैं से एक निर्दोष को सजा मत दो।